आज मैंने चिकन पटियाला की ये डिलीशियस रेसिपी बनाई है लंच में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर इसका पानी निथार लिया है। मैंने इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है। एक टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर दही डाला है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पर कट करके डाल दी है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें रख देना है। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च और 1.5 इंच दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया है। तो इन सभी खड़े मसालों को हमने ऑयल में डाल दिया है और 1 टेबल स्पून भर के चॉप किए हुए अदरक और लहसुन, हमने चॉप किए अदरक लहसुन ऑयल में डाल दिए हैं। और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से चॉप करके डाल दिया है। तो प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, देखिए। तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर पीला मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालते हुए हम सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसालों को एकदम अच्छे से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते रहना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मिक्सी में पीसकर इसकी प्योरी बना ली थी, तो ये भी अब हम इसमें डाल देंगे। टमाटर की प्योरी को भी हमें उसका कच्चापन निकलने तक अच्छे भून लेना है। टमाटर अच्छे से अब भुन चुका है, हम यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और मिक्स करते हुए अच्छे से हमें मसाले को भून लेना है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और मसालों के साथ चिकन को अच्छे से हमें भून लेना है। तो हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ये चिकन पटियाला ज़रूर बनाइए, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हमने यहाँ पर इसे ढककर अभी हमें 10 मिनट के लिए ढककर इसे पकने देना है। 10 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन पटियाला बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू का मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बना लिया था, तो वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। काजू के पेस्ट से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसे थोड़ी देर और पकने देना है। और तड़के के पैन में हमने आधी शिमला मिर्च, आधी प्याज और 1 सूखी लाल मिर्च का तड़का देते हुए इसे हल्का सा भून लिया है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और ये तड़का हम चिकन पटियाला में डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये लजीज, मज़ेदार, टेस्टी और सिंपल चिकन पटियाला की रेसिपी ये हमारी बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऊपर से डालेंगे हमारा धनिया और अगर आपको ये चिकन पटियाला की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन पटियाला बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।